हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने यस्टरडे हमने क्या पढ़ा था, चैप्टर टू की एक्सरसाइज की थी, ठीक है, जिसमें टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस था। इसके फोर पॉइंट्स थे जो मैंने बताया था कि आप क्वेश्चंस हैं वो ब्लैक पेन से करेंगे और आंसर आपको ब्लू पेन से करना है, और जो टिक है वो सब ब्लैक पेन से लगाने हैं, ठीक है। इट लुक नाइस। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या था हमारा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ, ये थे, ये आप लोगों ने कर लिए, ठीक है। अब हमारा आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज, हमारी कौन सी आती है, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है अब फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। फिल इन द ब्लैंक्स हैं और जो बॉक्स में जो हमारे वर्ड्स दिए हुए हैं इनके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे फिल करने हैं, ठीक। अब हमारा कौन कौन से फिलअप्स, मदरबोर्ड, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, ALU एंड आउटपुट, ठीक है। ए डैश इज अ परमानेंट स्टोरेज मीडियम, क्या होगा, यस हार्ड डिस्क। यहाँ पे मैंने फिल करा है, बुक में आप देखिएगा आपका नहीं फिल होगा तो आप बुक में फिल कर लीजिएगा, बट पेंसिल से करिएगा, ठीक है। फर्स्ट है हमारा हार्ड डिस्क इज अ परमानेंट स्टोरेज मीडियम, ठीक। बी हमारा क्या पॉइंट है, डैश इज द मेन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड, यस एब्सोल्युटली राइट, इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा मदरबोर्ड, ठीक है। और जो फिल करने वाला स्पेस है उसको भी आप ब्लैक पेन से करिएगा, ठीक है, ताकि ये इससे थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है, मिक्स नहीं होता आता है, ठीक है। सी है आपका डैश इज प्रोवाइडेड बाय द कंप्यूटर यूजिंग एन आउटपुट डिवाइस, इज प्रोवाइडेड बाय द कंप्यूटर यूजिंग एन आउटपुट डिवाइस, क्या होगा, आउटपुट, ठीक है। सी है हमारा ऑप्शन, इसमें से कौन से 1, 2, 3, 4, 5 लास्ट ऑप्शन है ये हमारा, ये आएगा इधर आउटपुट। अब डी है आपका इन डैश अर्थमेटिक सम्स एंड लॉजिकल प्रॉब्लम आर सॉल्व, बिल्कुल इसमें जहाँ पे आपका ये दिखे अर्थमेटिक सम्स एंड लॉजिकल प्रॉब्लम वहाँ पर आप तुरंत ALU कर देंगे, ठीक है। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल प्रॉब्लम, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। अब लास्ट है हमारा यूज पोर्ट, USB पोर्ट इज टू कनेक्ट पेन ड्राइव एंड अदर डिवाइसेस लाइक डैश प्रिंटर, ठीक है। इधर हमारा प्रिंटर आएगा जो कि सेकेंड ऑप्शन है, तो हमारे 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन है, सब अपनी अपनी जगह आप लोगों ने फिल कर दिया, ठीक है। इसी तरह आप करिएगा जिस तरह मैंने किया है, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में मुझे दिखना चाहिए, ओके। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, इसको मैच कराना है, बट मैंने इसमें जो इसका सही मैच है वो उसके आगे लिख दिया है, ठीक है। आप लोग भी इसको इसी तरह करिएगा। अब ए क्या है, द रिजल्ट्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ द एक्टिविटीज आर गिवन इन दिस पार्ट, क्या होगा इसका, यस आउटपुट डिवाइस, ए का होगा हमारा आउटपुट डिवाइस। अब बी है हमारा इट कीप्स द इनपुट एंड आउटपुट स्टोर्ड फॉर फर्दर यूज, इसका क्या होगा, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का याद है आपका शॉर्ट फॉर्म क्या है, MU, ठीक है ना। अब आता है हमारा सी, इट controls all the parts and components and uses them for their specific role, इसका क्या है हमारा, control unit, इसका भी full form क्या होता है, right, CU, MU and CU, ठीक है। अब आते हैं इसके last two option पे, arithmetic sums and logical problem are solved here, मैंने कहा था जहाँ पे भी ये आए वहाँ सीधे आप ALU लिख देंगे, ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। लास्ट ई हमारा क्या है,
इट सेंड्स इनपुट टू द सीपीयू। क्या होता है इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस ही हमारा इनपुट को सीपीयू में भेजता है। ठीक है, तो आज हमारी ये दो एक्सरसाइजेस हो गई। यस्टरडे हमने कौन सी करी थी, टिक द करेक्ट ऑप्शन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, आज हमने की है हमारे फिलिप्स एंड मैज।